हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में शामिल किया गया था। तो आइए आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। 1976 42nd अमेंडमेंट, ओके। तो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इंदिरा गांधी जी ने ये एडवाइस किया कि हमें एक मूल कर्तव्यों को भी लागू करना चाहिए संविधान में। मूल अधिकार तो हमें पहले से ही मिले हुए थे, बट नागरिकों को उनके मूल कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने ये मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की योजना बनाई। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, पर जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ तो इसमें 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्यों की और 42nd अमेंडमेंट में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। एट प्रेजेंट हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो वो कैसे हुए? तो 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट में एक और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया। तो इसके थ्रू ये कहा गया कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो 86 अमेंडमेंट में दो बातें कही गई थी। पहला तो इसमें ये था कि 21A ये जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट्स में, 21A फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है। मैं आपको बार बार रिपीट कर दूं, और 51A यानी 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया है। 21A इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं इनको कंपलसरी एजुकेशन स्टेट देगा, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसी को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन एक्ट ये पारित किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 51A जोड़ा गया भाग 4 का या 4A। तो ये एक ही अनुच्छेद था इसमें जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है और इसमें भी सेम बात को रिपीट किया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन देना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये दो बातें 86 अमेंडमेंट में कही गई थी। तो 42nd अमेंडमेंट में जो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे वो हमारे संविधान में पार्ट 4A में शामिल किए गए हैं और आर्टिकल था आर्टिकल 51A 36251 डीपीएसपी है, डीपीएसपी के जस्ट बाद 51A इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या रहे हैं? तो इनको इनका पालन करना कंपलसरी तो नहीं है, बट जैसे हम अधिकारों की मांग करते हैं तो कर्तव्यों का पालन करना भी हमारी एक ड्यूटी हो जाती है। तो जिस तरह से हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमारे संविधान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं उसकी लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ एक बार।
ये था हमारा आज का वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा और कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।